इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम क्रस्टेशियंस के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड के रोल को डिस्कस करेंगे कि वह एक्टाइसिस में क्या रोल अपना प्ले करता है एंडोक्राइन ग्लैंड क्रे फिश के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जैसे एक्टाइसिस सेक्स डिटर्मिनेशन और कलर चेंज एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं दे नॉर्मली सिक्रिट केमिकल्स जिसको हम कहते हैं हारमोन्स हारमोन्स जो हैं दे आर पुअर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड जबकि ब्लड के ब्लड जो है ये सर्कुलेट करेगा और नॉर्मली टारगेट साइट्स पे ये जाके ट्रिगर करेंगे क्रस्टेशियंस में दूसरे एनिमल्स की तरह दोनों सिस्टम नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों इकट्ठे अपना रोल प्ले करते हैं नर्वस टिश्यूज़ जो हैं दे नॉर्मली प्रोड्यूस एंड रिलीज हारमोनस जिसको हम कहेंगे न्यूरोसिक्रिटरी टिश्यूज़ एक्स ऑर्गन एक्स ऑर्गेन्स न्यूरोसिक्रेटरी टिश्यूज हैं ये जो हैं मौजूद हैं क्रे फिश की आई स्टॉक एक्स ऑर्गेन के साथ एक साइनस क्लैंड एसोसिएटेड है दैट एक्यूमिलेट्स एंड रिलीज द सिक्रीशन्स ऑफ द एक्स ऑर्गेन अब जो दूसरा ऑर्गेन है उसको हम कहेंगे वाई ऑर्गेन्स वाई ऑर्गेन्स जो हैं दे आर नाट डायरेक्टली लिंक्ड विद द नर्वस टिश्यूज दे आर नीयर द बेस ऑफ मैगजिले दोनों एक्स ऑर्गन और वाई ऑर्गन ये एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे एक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं मोल इनहिबिटिंग हारमोन्स एंड द साइनस क्लैंड रिलीज इस दम टारगेट ऑफ दिस हारमोन इज़ द वाई ऑर्गन जहाँ तक मोल इनहिबिटिंग हारमोन्स का ताल्लुक है तो वाई हारमोन वाई ऑर्गेन जो है वो नॉर्मली इनहेक्टिव है कुछ ऐसी कंडीशन्स हैं जो कि प्रिवेंट करेंगी और ये मोल्ट इन्हीबिटिंग हारमोन्स की रिलीज़ को प्रिवेंट करेंगी जब तक ये कंडीशनस एग्जस्ट करती हैं तो वाई ऑर्गेन जो है दिस रिलीज़ अनदर हारमोन एक्डाइसोन हारमोन दैट लीड्स टू दी मोल्टिंग तो हम ये कह कै, सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो एक्स ऑर्गन के हार्मोन्स की सिक्रीशन को प्रमोट करती हैं और कुछ ऐसी हैं जो वाई ऑर्गन के हार्मोन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती हैं और ये डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर और सिचुएशन स्पीशीज टू स्पीशीज भी वेरी करें इन फैक्टर्स में आ जाते हैं न्यूट्रिशनल स्टेट टेम्परेचर और पीरियड कुछ ऐसे हार्मोन्स भी जो हैं जो कि एक्डाइसिस के प्रोसेस uh, को स्टिमुलेट करेंगे जिनके अंदर टम्परेचर और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इम्पॉर्टेंट हैं इस में आ जाएगा मोल्ट एक्सलोरेटिंग फैक्टर इस डायग्राम से हम एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक्डाइसिस के प्रोसेस जिसको हम मोल्टिंग कहेंगे उसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं दिस इज़ द इंटर मोल्ट कंडीशन इंटरमोल्ट कंडीशन में प्री एक्डाइसिस होगा और उसमें ओल्ड प्रोक्यूटिकल दिस विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दी एपिडर्मस, विच सिक्रीट्स न्यू एपी क्यूटिकल अब यहाँ पे आप देखें जैसे नया एक्सोक्यूटिकल सिक्रीट होगा मोल्टिंग फ्लूड डिजॉल्व करेगा ओल्ड एंडोक्यूटिकल को और सॉल्यूशन जो है जो इसके प्रोडक्ट्स होंगे दे आर नॉर्मली रीऐब्जॉर्ब अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक्सडाइसिस होगी ओल्ड एपी क्यूटिकल जो है और एक्सो क्यूटिकल जो है नाउ दे आर डिस्कार और अल्टीमेटली पोस्ट एक्टाइसिस के अंदर न्यू क्यूटिकल जो है दिस इज स्ट्रेस्ड एंड अनफोल्डेड एंड एंडो क्यूटिकल इज सिक्रिटेड सो इन दिस प्रोसेस of molting or ecdysis the hormones they are playing important role and these hormones are secreted by the endocrine system